इसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन बताने वाला हूं मैं तुम्हें। अच्छा, फंक्शंस का थोड़ा बहुत आइडिया है? फंक्शंस क्या होते हैं बताओ जरा मुझे। पहले पहले तो हम फंक्शन की ही बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, और फंक्शंस के बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब फंक्शंस क्या होते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो बताओ जरा मुझे फंक्शंस क्या होते हैं। प्रथमेश? सर फंक्शंस काइंड ऑफ साइंस होते हैं जो नंबर के पहले लगाते हैं, तो वैल्यू चेंज हो। फंक्शंस, हाँ ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि जैसा अभी तुम लोगों ने देखा वो इसी तरीके का दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग कभी ये बोल देते कि सपोज वाई इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ एक्स, से एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। जिसके एग्जाम्पल्स तुम लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, लाइक से वाई इक्वल टू साइन एक्स देखा होगा, साइन थीटा साइन एक्स, या वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, या फिर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शंस होते हैं। लेकिन फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन जो है ना वो अभी मैं खैर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें फिर मुझे डोमेन, रेंज, रिलेशन वो सब बताना पड़ेगा। तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे, अभी हम नॉर्मल लैंग्वेज में जा रहे हैं कि फंक्शन इज एक्चुअली वर्किंग लाइक अ मशीन। वी कैन कंसिडर दिस बॉक्स एज अ फंक्शन, और दिस बॉक्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ मशीन। सो एवरी मशीन हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, ये याद रखो। हाँ, एवरी मशीन हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, ये कितना सही चीज बोला मैंने। जैसे अभी आपको फैन दिखाई पड़ रहा है, तो फैन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या होता है, फैन को हम एक इनपुट वैल्यू देते हैं। फैन की इनपुट वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। फैन की इनपुट वैल्यू में क्या जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। और फैन की एक आउटपुट आउटपुट वैल्यू होती है, तो वो आउटपुट वैल्यू में क्या आता है, फैन से हमें क्या मिल रहा होता है यार, फैन थोड़ा हवा चला देता है, ठंडी ठंडी हवा मिल रही होती है, ठंडी हवा उस पर डिपेंड कर रही होती है कि एसी चल रहा है कि नहीं। सिमिलरली एसी के लिए भी बोल सकते हैं कि एसी का इनपुट वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी है और आउटपुट वैल्यू है कूलिंग, या लाइट बल्ब के लिए बोल सकते हैं कि इनपुट वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी है और आउटपुट वैल्यू है कि वो हमें लाइट दे रहा है। बट ऐसा नहीं है कि दो फंक्शन होंगे तो उनका इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम होगा। सो कभी ऐसा कंसिडर मत करना कि हम लोग लाइट बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वहां से हमें कूलिंग मिल रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अलग अलग मशीन का अपना अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, सबके अपने अलग अलग इनपुट भी होते हैं, ये भी बात है। अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए उन सारी मशीन में क्या था कि उसमें इनपुट हमें इलेक्ट्रिसिटी ही दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। तो हमें जनरली लगने लगता है कि अरे हाँ यार सबका इनपुट सेम होता है, नहीं भाई, मशीन का इनपुट डिफरेंट भी हो सकता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जिसका इनपुट थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, कि तुमने देखा होगा कि एक मशीन होती है, तुम लोगों ने वो देखा, वो जूस निकालने वाली एक मशीन होती है जो रोड पे वो लोग लगा करके रखते हैं अपने, उसमें उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वो मैकेनिकल मशीन होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एंड पे हम लोग वो डालते रहते हैं, ऑरेंजेस डाल दिए या कुछ डाला, और दूसरे एंड से उसका जूस बाहर आ रहा होता, तो इनपुट वैल्यू वहां पे वो ऑरेंजेस हो गया और आउटपुट वैल्यू जो था वो जूस हो गया। तो अब ये मत सोचना कि इनपुट वैल्यू में ऑरेंजेस की जगह पे चलो आज हम लोग पत्थर डाल के देखते हैं तो उसका जूस निकलता है कि नहीं निकलता है, तो ऑब्वियसली पत्थर डालोगे तो कोई जूस नहीं निकलने वाला है। तो हर एक मशीन की अपनी स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू होती है और स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यू होती है, ठीक है। सो वो जो इनपुट वैल्यूज होती है ना, वो इनपुट वैल्यू वो लेता है एक्स से, जो मैथमेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो आउटपुट वैल्यूज आती है वो आती है वाई में। जैसे यहाँ पे भी तुम्हें जो फंक्शन दिख रहा है कि जैसे एक्स का वैल्यू, अब रूट एक्स के लिए एक स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू है, आप नेगेटिव वैल्यूज नहीं डाल सकते। अगर आप नेगेटिव डालोगे तो रियल नंबर नहीं मिलने वाला है आपको, तो इसका अपना एक स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू है। जबकि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाले केस में क्या है कि यहाँ पे आप नेगेटिव इनपुट वैल्यू डाल सकते हो। तो अलग अलग फंक्शन की अलग अलग इनपुट वैल्यूज हो सकती हैं और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यूज आती है। तो जब भी कभी वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखा होता है ना, तो इसमें हम एक्स को बोल रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसलिए बोलते हैं वो अपनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली ले सकता है, फंक्शन को डिफाइन करेगा, लेकिन बस सीधी सी बात यह है। बट वाई जो होता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है।
किस पे डिपेंडेंट होता है, वो एक्स पे डिपेंडेंट होता है। जब एक्स अपना वैल्यू लेगा तो वाई उसके अकॉर्डिंग अपना वैल्यू लेगा, ठीक है। जब भी एक्स अपना वैल्यू लेता है तो वाई उसके अकॉर्डिंग अपना वैल्यू लेता है, ये बात होती है। जैसे यहाँ पे जब एक्स वैल्यू अपना वन लेगा तो वाई वैल्यू वन लेगा, एक्स टू लेगा तो वाई वैल्यू लेगा रूट टू। तो वाई हमेशा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक्स जहां से अपनी वैल्यू ले रहा होता, मतलब जो इनपुट वैल्यूज होती है उनको जनरली हम लोग बोलते हैं डोमेन। अगर डोमेन को मैं अलग लैंग्वेज में बोलूंगा तो डोमेन को मैं बोलूंगा वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स को डिफाइन करने के लिए जो भी वैल्यूज हो सकती है उसको हम बोलते हैं डोमेन। और जो यहां से x के बाद जो वैल्यू आती है वाई की, उसको हम बोलते हैं रेंज। जो भी आउटपुट वैल्यूज आती है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो फंक्शन एक्चुअल में क्या है, ये तुम्हें बेसिक सा समझ में आ गया कि फंक्शन इज वर्किंग लाइक अ मशीन। एवरी स्पेसिफिक फंक्शन हैज डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, सबका इनपुट आउटपुट अलग होता है। इनपुट वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं, आउटपुट वैल्यूज को रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये समझ में आ जाता है तो हम आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन पे। सो हाउ मेनी ऑफ यू have ever listened this modulus function? सिर्फ सुना ही है तो बता दो कि क्या होता है। और it is also known as absolute value function. It is also known as absolute value function. So कोई बताने वाला है ये कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है? So two lines on either side of the value. Okay, very good. तो वो कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, ये mod of x ऐसे दिखाते हैं उसको, bars बना देते हैं या vertical lines बना देते हैं और उसके अंदर हम ये value डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं mod of x, ठीक है। तो हमारे teacher जो थे बचपन में वो हमें ऐसे सिखाते थे, क्योंकि पहले मुझे mod of x बिल्कुल नहीं समझ में आता था। जनरली टीचर दूसरे टीचर क्या बोलते थे कि जिस पे भी मॉड लग जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिस पे भी मॉड लग जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो ऐसे एग्जांपल देते थे। तो उनके एग्जांपल एक्चुअली कैसे होते थे कि सपोज मॉड ऑफ टू लिया तो भी टू आएगा, और मॉड ऑफ माइनस टू लिया तो भी टू ही आ जाएगा, मतलब जिस पे भी मॉड लग गया वो पॉजिटिव हो जाता है। फिर मेरे दूसरे टीचर ने मुझे कैसे सिखाया, उन्होंने थोड़ा और अच्छा डेफिनेशन बताया। उन्होंने बोला कि देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जब तक कि x पॉजिटिव है तब तक वो एज इट इज ले लिया जाएगा, और जब x नेगेटिव होगा तो हम उसको माइनस साइन के साथ में लेंगे। जब तक कि x पॉजिटिव है तब तक वो एज इट इज रहेगा, और जब x नेगेटिव होगा तो हम उसको माइनस साइन के साथ में लेंगे। तो मैं जनरली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता था कि अरे यार अभी तो ये बोल रहे हैं कि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और यहाँ पे उन्होंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे यही वाला एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये दूसरे तरीके से समझाया। उन्होंने बोला कि देखो आप क्या करो, मॉड के अंदर जो वैल्यू है नेगेटिव है तो जब उसको ओपन करोगे तो माइनस साइन के साथ में ओपन करोगे तो ये माइनस ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, ये प्लस टू बन जाएगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि फाइनली हमें प्लस टू ही मिलने वाला है। तो इसको मैंने कैसे समझा, इसको मैंने समझा कि ये एक आइडल काइंड ऑफ प्रिजन है। आइडल प्रिजन, इंडियन प्रिजन नहीं समझना, आइडियल प्रिजन इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा मतलब प्रिंसिपल्स वाली प्रिजन है। वहां पे जो अच्छे लोग जा रहे हैं वो अच्छे होकर के ही निकल आते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो एज इट इज निकल आते हैं, जब नेगेटिव लोग जाते हैं तो उनको मार पीट करके अच्छा बना करके बाहर निकाल दिया जाता है। उनके साथ लोग और नेगेटिव होते हैं, मार पीट के उनको बराबर करके अच्छा बना के बाहर निकाल देते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। हो सकता थोड़ा सा फालतू जोक हो बट चलो ठीक है। तो मैं समझ में आ गया होगा कि मॉड ऑफ एक्स कैसे ओपन होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स हमने ओपन किया, अब इसका मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ कैसा होता है। इसका ग्राफ ऐसा होता है कुछ, इसके ग्राफ में देखना, when x is positive we are taking it as y equal to x, and when x is negative we are taking it as minus x. So when x is positive, positive की बात कर रहे हैं, greater than equal to zero की बात कर रहे हैं, when x is zero, suppose x is zero, then यहाँ पे जब value substitute करोगे तो zero ही आने वाला है। when x is one तो value one आने वाला है, when x is two तो value two आने वाला है, and so on. तो जब हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे तो ये हमें y इक्वल टू x का ग्राफ कुछ ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, ठीक है। बट ये कब मिल रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
व्हेन एक्स इज नेगेटिव, मतलब सपोज माइनस वन है, जब तुम यहाँ माइनस वन सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वन, जब हम माइनस टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस टू, एंड सो ऑन. सो व्हेन एक्स इज नेगेटिव तो हमें जो ग्राफ मिलने वाला है वो कुछ यहां से मिलने वाला है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है वाई इक्वल टू मॉड एक्स का, वी शेप ग्राफ बनता है. ये जो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पे शार्प एज दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मॉड. अगेन क्रिटिकल पॉइंट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे वेवी कर्व का क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां पे क्या हो रहा होता है, डेफिनेशन चेंज हो रही होती है. यहाँ पे भी देखो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डेफिनेशन चेंज हो रही है. क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे ये पॉजिटिव ओपन हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव ओपन हो रहा है. ठीक है ना, तो जहां पे ये शार्प है जाती है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. आई थिंक सबको यहां तक क्लियर होगा, अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो वो मुझे भी पूछ सकता है, और अगर क्लियर हो गया हो तो आप इसको नोट करो, तो मैं इसकी जनरल डेफिनेशन पे जाऊंगा. फटाफट नोट करो, तो मॉड एक्स लिखा था, जनरली हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर सपोज कभी लिखा होगा कि वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूं मैं इसको, अगर वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स लिखा है मतलब मॉड के अंदर कुछ फंक्शन उसने लिखा हुआ है. तो स्टार्टिंग में तो जो चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा वो थोड़ी सिंपल फॉर्मेट में ही रहेंगी, लेकिन ये याद रखना कभी भी कैसा भी फंक्शन लिखाओ, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स लिखाओ तो तुम इसको कैसे ओपन करोगे, तुम इसको ओपन करोगे एज इट इज एफ एक्स फॉर ऑल एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मींस जब तक एफ एक्स पॉजिटिव है तब तक उसको एज इट इज ओपन करेंगे, एंड जब एफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो हम उसको माइनस साइन के साथ में ओपन करेंगे. तो ये बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है, किसी भी फंक्शन के लिए किसी पे भी मॉड लगाओ उसके लिए ये काम करती ही करती है हमेशा. ठीक है, तो आगे हम इस पे कुछ ग्राफ्स भी पढ़ेंगे आगे जा करके, बट अभी जैसे मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स बताने वाला हूँ. सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिफाइन वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एंड आई एम सेइंग एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. So, क्या होगा, आप कैसे करोगे, आप बोलोगे इसको y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू. डिफाइन करने का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम मॉडुलस, जस्ट मेक इट फ्री फ्रॉम मॉडुलस. ठीक है, तो आप बोलोगे कि इट इज एज इट इज x माइनस टू ओपन हो जाएगा फॉर ऑल x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये माइनस साइन के साथ में भी ओपन हो सकता है व्हेन x माइनस टू इज नेगेटिव. So, अगर हम इसका डेफिनेशन देखेंगे तो मुझे मिल रहा होगा x माइनस टू फॉर ऑल, इधर x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, सो वी कैन से इट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट कैन बी रिटन एज माइनस x प्लस टू फॉर ऑल x लेस देन टू. दिस इज द फाइनल डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन की बेसिस पे हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं. हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, हम देखो यहाँ पे ग्राफ मैं बना करके दिखा रहा हूँ एक बार. ये मैंने x एक्सिस बना दिया और ये बना रहा हूँ मैं y एक्सिस जो मुझसे बड़ी मुश्किल से बनती है, तो ये मैंने y एक्सिस भी बना दिया. ठीक है, अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि पॉइंट्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 1, 2, 3. अच्छा, ये पॉइंट में एक चीज याद रखना, जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो जरूर डिनोट करना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन चेंज कर रहा है. अब देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए ये डेफिनेशन है, अगर मैं टू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो इट इज टू माइनस टू दैट इज जीरो. ग्रेटर देन टू में मतलब थ्री, अगर मैं यहाँ पे थ्री सब्सटीट्यूट करता हूँ तो थ्री माइनस टू पे इसका वैल्यू क्या आने वाला है, वन आने वाला है. फिर फोर सब्सटीट्यूट करोगे तो टू आने वाला है, मतलब यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, वो भी कैसा मिल रहा है, वो इस तरीके से जा रहा है, हमें मिल रहा है वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू का ग्राफ वेन एक्स इज ग्रेटर देन टू. अच्छा, लेस देन टू के लिए क्या होगा, लेस देन टू के लिए हम जब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे वन, सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला वन तो इट इज टू माइनस वन दैट इज वन. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ जीरो तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा टू, अगर जीरो डालोगे तो टू. तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन रहा होगा, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा. ठीक है, और ये ग्राफ किसका है, ये है ग्राफ वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का, और ये तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ये है वो वी पॉइंट और कॉर्नर्ड पॉइंट. ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट जहां पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो यहां से हम एक चीज वैसे भी समझ सकते हैं कि कभी भी अगर हमें मॉड ओपन करना हो तो तुम क्या करो, मॉड के अंदर का जो फंक्शन है उसको जीरो करो, जिससे तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, और उस पॉइंट के राइट साइड पे ये पॉजिटिव ओपन होता है और लेफ्ट साइड पे ये
नेगेटिव ओपन होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि जब भी मॉड ओपन करना होता है तो हमारा स्टेप वन क्या होता है, यहां से मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। स्टेप वन क्या होता है, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग ये, फॉर मॉड ऑफ एफ एक्स के लिए। तो इक्वेट एफ एक्स टू जीरो वाई इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, आगे जब हम लोग थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट्स भी दिख सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, जब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं फिर हम क्या बोलते हैं कि स्टेप टू में हम क्या बोलते हैं, सपोज हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया है, से x इक्वल टू c इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। सो c के राइट साइड पे जो रीजन होगा वहां पे ये मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, मतलब ये प्लस एफ एक्स के साथ ओपन होगा, और c के दूसरे साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे ये माइनस एफ एक्स करके ओपन होगा। एफ एक्स नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है, यहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन हो रहा है। सो हमें ये पॉइंट समझना होता है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे मॉड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे मॉड नेगेटिव होता है। दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये समझ में आ रहा है? एक दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तुम लोगों को करने के लिए। Define the function and draw the graph. First one hai y equal to mod of x plus 1 and second one hai y equal to mod of 2x minus 1. ये दोनों फंक्शन भी तुम्हें बनाने हैं और फिर उसका ग्राफ भी बनाना है, और ग्राफ बना करके मुझे दिखाओ पहले, ठीक है। तो तुम लोगों ने, मैं फटाफट बता दूं कि तुम लोगों ने इसको कैसे ओपन किया होगा। तुमने बोला होगा कि इट इज एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड इट इज माइनस एक्स माइनस वन फॉर ऑल एक्स लेस देन माइनस वन। ये ऐसे ओपन हो रहा होगा, इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा होगा माइनस वन पे, और जब हम इसके वैल्यूज ड्रॉ करेंगे तो ये सपोज माइनस वन पे इसका क्रिटिकल पॉइंट है, जीरो पे वैल्यू देखोगे तो वन आ रहा होगा। तो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसा बना देंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ये, और ऐसी दूसरा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जब हम माइनस टू पे देखेंगे तो भी ये वन आ रहा होगा, तो एक लाइन यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। सो इसका कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरे वाले में हम बोलेंगे इट इज 2x माइनस 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड माइनस 2x प्लस 1 फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू हाफ। और फिर जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो हाफ पे आ रहा होगा। ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं कैसा बनेगा। मैं यहाँ पे कहीं 1 दिखा रहा हूँ तो हाफ ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। जब ग्रेटर देन हाफ के लिए यानी वन पे इसका वैल्यू चेक करोगे, वन पे वैल्यू वन आ रहा होगा, और फिर जब हम इस पे वैल्यू टू डालेंगे तो टू पे वैल्यू इसका थ्री आ रहा होगा। सो ये एक लाइन ऐसे बनती हुई दिखाई पड़ेगी यहाँ से, ये वाली लाइन, इसका स्लोप थोड़ा अलग होगा, ये याद रखना। वन पे वैल्यू वन दिख रहा है, टू पे वैल्यू उसका थ्री दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लाइन जा रही होगी। और इसी तरीके से जीरो पे वैल्यू वन दिख रहा होगा, माइनस वन पे वैल्यू थ्री दिख रहा होगा, तो ये दूसरी लाइन यहाँ से ऐसे जा रही होगी। ये जरूर देखना स्लोप इसका डिफरेंट है, ये याद रखना। माइनस वन पे इसका वैल्यू थ्री आ रहा है, अगर हम सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही टू पे भी वैल्यू इसका थ्री आ रहा है, इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी से नहीं आया है तो मुझे भी एक बार पूछ लो, और अगर आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। गुड, इसका मतलब आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दूंगा। सेम ही है, डिफाइन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन एंड ड्रॉ द ग्राफ।
of y equal to mod of x minus mod of x minus 2. So, अगर हमें add करना होगा तो graph कैसे change होगा? Because then there has to be a change. मानसी तुझे कुछ क्लिक हुआ यहाँ पे? तो ग्राफ का एक साइड बन गया पर दूसरी साइड बन नहीं रही है. ओके देखो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर हम लोग वेवी का में सॉल्व कर रहे थे ना. यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मॉड यहाँ पे यूज हो गया फिर मॉड यहाँ पे यूज हो गया है, ऐसा हुआ है. तो जहां पे भी मॉड यूज होगा वहां पे क्रिटिकल पॉइंट आएगा श्योरली, बिकॉज दिस फंक्शन इज changing its sign or opening according to its critical point and this mod is going to open according to its critical point. ठीक है, so होगा क्या, अभी note कुछ मत करना, जब मैं steps लिख दूंगा उसके बाद तुम लोग note करना. होगा क्या यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि हम सारे के सारे critical points find करेंगे. तो हमारा first step ये होता है कि equate all the functions inside the mod to zero in order to find the critical point. तो पहले हमने critical point find कर लिए, ठीक है? तो यहाँ से critical point आ रहा होगा zero और यहाँ से critical point आ रहा होगा two. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया two. फिर हम क्या करेंगे? फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले regions बनाए थे वैसे ही हम यहाँ पे भी regions बनाएंगे, region one, region two, region three. ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखना, region one में अगर मैं x two के right side पे लेता हूँ, अगर टू के राइट या इस रीजन में लेता हूं सपोज, तो दिस इज ऑन द राइट साइड ऑफ टू एंड दिस इज ऑल्सो ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो. सो राइट साइड ऑफ टू है तो ये वाला मॉड भी पॉजिटिव होगा और ये वाला मॉड भी पॉजिटिव होगा. तो हमें क्या मिल रहा होगा? एक्स प्लस एक्स माइनस टू, क्योंकि ये कैसा है, टू के भी राइट में है और जीरो के भी राइट में है, दोनों मॉड पॉजिटिव हो गए तो हमें मिलेगा टू एक्स माइनस टू. नाउ फिर हम आएंगे सेकेंड रीजन में. सेकेंड रीजन में हम क्या बोलेंगे कि एक्स सपोज यहाँ पे है. So now x is on the left side of 2, left side of 2 पे होगा and right side of 0, 0 के right side पे तो ये वाला positive होगा, 2 के left side पे तो दूसरा वाला negative open होगा. तो यहां से मुझे y का value मिल रहा होगा x minus x plus 2, that is y equal to 2. फिर हम बोलेंगे कि suppose अब x यहाँ पे है third region में, तो ये 0 के भी left में और 2 के भी left में है. 0 के left में तो पहला वाला mod भी negative और दूसरा वाला mod भी negative, तो ये आएगा y equal to minus 2x plus 2. ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पे ओपन करके दिखा दिए ना, इनको एक्चुअली ऐसे नहीं ओपन करते, इनको हम दिखाते हैं केस वाइज. हम क्या बोलते हैं कि केस वन लेंगे, केस वन, और यहाँ केस वन मेंशन करो क्या है केस वन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू. मतलब हमने ये वाला रीजन लिया है, ये वाला रीजन लिया है तो एक्स यहाँ पे है, तो तुम कैसे ओपन करोगे? यहाँ पे लिखाओगे कि वाई इक्वल टू, दोनों मॉड मैंने पॉजिटिवली ओपन कर दिए तो मुझे पहली डेफिनेशन मिली 2x माइनस 2. देन मैं बोलूंगा कि केस 2, तो केस 2 में मैं क्या बोलूंगा, केस 2 में मैं बोलूंगा कि व्हेन x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये वाला रीजन कौन सा है? 2 के लेफ्ट साइड पे और 0 के राइट साइड पे है ना, तो लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इन दैट केस ये कैसा ओपन हो रहा होगा? 2 के सॉरी 0 के राइट साइड पे है तो पहला वाला मॉड पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट साइड में तो दूसरा वाला मॉड नेगेटिव, तो हमें मिलेगी वैल्यू y इक्वल टू 2. और फिर हम केस 3 ओपन करेंगे. जब हम केस 3 ओपन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन x इज लेस देन 0, इन दैट केस वो दोनों के ही लेफ्ट में तो दोनों ही मॉड नेगेटिव ओपन होंगे, तो दोनों मॉड नेगेटिव होंगे तो ये मिलेगा माइनस एक्स प्लस 2. तो जब मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करूंगा इस मॉड को, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि y इक्वल टू 2x माइनस 2. ये कब लिखूंगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. दूसरे में लिखूंगा y इक्वल टू 2 फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 0 टू 2. एंड देन लास्ट में मैं लिखूंगा, ये माइनस 2x आना चाहिए यार, माइनस 2x प्लस 2 फॉर ऑल x लेस देन 0, ऐसा आना चाहिए. तो ये मैंने तीन अलग अलग केस बना करके इसको ओपन किया. और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे तो वो देखना ग्राफ कैसा बनेगा. तो ग्राफ यार मैं दिखा देता हूं तुम्हें, तो ग्राफ कैसा बनेगा एक बार वो देख लो. मैंने फाइनली ये एक्सेस बना लिया यार, अच्छे
ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं यार इसका। क्रिटिकल पॉइंट्स अपने पास क्या है, 2 एंड 0 हमें दिखाई पड़ रहा है, तो मैं दिखाऊंगा कि एक क्रिटिकल पॉइंट है ये है 0, दूसरा होगा 1 और यहाँ पे 2 दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि जब 2 या उससे ग्रेटर है तो वो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो तुम ये चेक करो कि जब मैं x इक्वल टू 2 यहाँ पे डालता हूँ तो वैल्यू क्या आएगा। व्हेन x इक्वल टू 2 दिस इज व्हाट, 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2, तो इट इज अराउंड 2। व्हेन x इक्वल टू 2 द वैल्यू इज 2। व्हेन x इक्वल टू 3 अगर तुम 3 डालोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कुछ 4 आ रहा होगा, 4 कहीं यहां पे दिख रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा हमें। ठीक है, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ जाएगी ऐसी इधर इस इंटरवल में। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, 0 से 2 के बीच में ये 2 ही रहने वाला है, तो 0 से लेकर के 2 के बीच में ये 2 रहने वाला है, तो ये हमने 0 से 2 के बीच में इसको 2 बना दिया। एंड देन लेस देन 0 के लिए ये डेफिनेशन यूज करेगा, लेस देन 0 तो मैंने रखा -1, मैं चेक करता हूं कि -1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है। अगर मैं यहां पे -1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4, तो -1 पे ये कितना वैल्यू ले रहा है, -1 पे ये वैल्यू ले रहा है 4। तो फिर यहां पे जब हम वैल्यू चेक करेंगे, लाइन बनाएंगे, तो हमारे पास ये वाली लाइन आ रही होगी। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, यहां से ये लाइन ऐसे जा रही है, यहां से ये लाइन ऐसे जा रही है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके लिए अलग से दिख रहा है, और बीच में ये ऐसा रहने वाला है। ठीक है, किसी को अभी ये समझने में कोई प्रॉब्लम हो, ओपन करना शुरू शुरू में तो ऐसे ही जैसा मैंने केस वाइज ओपन किया है कि मैं कौन से केस में क्या क्या रीजन ले रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर रहा हूँ, शुरू में ऐसे ही ओपन करना है। किसी को ये समझने में अभी डाउट है तो मुझे पूछो पहले, नहीं है अभी नोट नहीं करना, मैं पहले इसके स्टेप्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा अच्छा भी लगे या खराब भी दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, अच्छी कलर है यार ये एकदम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम पहले तो क्या करेंगे, जो भी मॉड है उनके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, जितने भी पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन सबको फाइंड कर लो। Find all the critical points. पता है कैसे करना है, मॉड के अंदर वाले फंक्शन को जीरो से इक्वेट करोगे तो तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। स्टेप टू, लोकेट देम ऑन नंबर लाइन, ठीक है, एंड डिफाइन द रीजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कई लोग क्या करते हैं ना, जब ये केस ओपन कर रहे होते हैं तो वो ये रीजन डिफाइन करना भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं बस नीचे वाली कैलकुलेशन करने में बिजी रहते हैं, तो फाइनल डेफिनेशन में भी उनको प्रॉब्लम होती है। डिफाइन द रीजंस, रीजंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही तुम रीजंस डिफाइन करोगे तो तुम क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग मॉड को ओपन कर सकते हो। उस रीजन में एक्स को रख के देखोगे कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम मॉड्यूलस फंक्शन ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे स्टेप थ्री में, हम क्या बोलेंगे, ओपन द मॉड फंक्शन in each region accordingly। यार ये मैंने थोड़ा मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसको समझना थोड़ा ध्यान से। जैसे मैं बता रहा हूं ना कि अगर x यहां पे लाई कर रहा होगा तो हम देखेंगे कि वो 2 के भी राइट में है, 0 के भी राइट में है, तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट में है तो सब पॉजिटिव हो गया। फिर हम यहाँ दिखाएंगे तो हम बोले कि हाँ ये 2 के लेफ्ट में है, 0 के राइट में है, तो 2 वाला नेगेटिव, 0 वाला पॉजिटिव। तो इसको मैंने अकॉर्डिंगली डाल दिया, ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो तुम अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट के राइट पे वो पॉजिटिव ओपन होगा, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब तुम ये पूरा क्वेश्चन नोट करो, 2 क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिख दिए हैं एंड 10 मिनट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं y इक्वल टू mod x minus 2, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं क्रिटिकल पॉइंट्स लोकेट करता हूं, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज 2। फिर हम ये रीजन्स बनाएंगे,
ये है रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर थ्री, फिर केस वाइज इसको ओपन करूंगा तो मैं बोलूंगा कि केस वन व्हेन, मैं मेंशन करूंगा इसको व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि एक्स यहाँ होगा, दोनों ही मॉड एज इट इज ओपन हो जाएंगे, मतलब मॉड के अंदर जो लिखा हुआ एज इट इज, तो ये एक्स की तरह ओपन होगा और ये एक्स माइनस टू की तरह ओपन होगा, तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज एक्स माइनस एक्स प्लस टू, सो वैल्यू आ जाएगा वाई इक्वल टू टू। देन केस टू देख लेते हैं, केस टू देखोगे तो केस टू में क्या बोलोगे, व्हेन एक्स इज लेस देन टू बट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स यहाँ पे है तो वाई कैसा ओपन होगा, टू के लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस साइन के साइड में ओपन होगा और ये जीरो के राइट में, तो ये वाला मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, इस मॉड को माइनस करके ओपन करोगे तो ऑलरेडी एक माइनस साइन था तो यहाँ पे प्लस साइन बन जाएगा और ये एक्स माइनस टू करके ओपन होगा, सो वी आर गेटिंग टू एक्स माइनस टू। ओके एंड देन वी आर गोइंग फॉर केस थ्री, तो केस थ्री में हमें क्या दिख रहा होगा कि व्हेन एक्स लेस देन जीरो, इन दैट केस दोनों ही नेगेटिव ओपन होंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टू, सो वी आर गेटिंग वाई इक्वल टू माइनस टू, ऐसा हमें मिल गया। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यार। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, एक है जीरो, फिर यहाँ पे ये वन, यहाँ पे टू, और टू के टू पर वो वैल्यू कितना लेने वाला है, टू पे वो वैल्यू लेने वाला है टू, सो टू के पास वो जो वैल्यू लेगा दैट इज टू ओनली, और टू के आगे भी वो टू ही रहने वाला है, मतलब वाई इक्वल टू टू ही रहने वाला है ये, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा होगा यहां से टू और उसके आगे, ये हमेशा टू रहने वाला है। देन जीरो से टू के बीच में क्या रहेगा, तो हम देख लेते हैं यार, अगर तुम यहाँ पे x का वैल्यू वन डालोगे तो वन डालोगे तो क्या हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो, तो x इक्वल टू वन पे इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, और अगर मैं जीरो डालूंगा तो जीरो पे वैल्यू आ जाएगा माइनस टू, तो माइनस टू मतलब कहीं यहाँ पे आ रहा होगा माइनस टू, सो दिस वन इज माइनस टू, तो जीरो पे यहाँ आ रहा है, वन पे ये जीरो हो रहा है, ये वाली लाइन जो बनेगी वो यहाँ से ऐसे और फिर ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लीनियर फंक्शन है तो एक स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए वहां पे, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई ऐसे। फिर उसके बाद क्या है, लेस देन जीरो के लिए कंडीशन क्या है, लेस देन जीरो के लिए वो हमेशा माइनस टू रहने वाला है, तो लेस देन जीरो के लिए हमेशा माइनस टू ही रहेगा, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा। जिन लोगों का ऐसा ग्राफ बन रहा है उनका ग्राफ करेक्ट है, जिनका नहीं बन रहा उनको समझ में आया होगा कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। अगर हम फंक्शन को देखेंगे तो फंक्शन एक्चुअल में कैसा ओपन हो रहा है, फंक्शन को हम ऐसा डिनोट करेंगे कि y इक्वल टू टू फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, y इक्वल टू टू एक्स माइनस टू फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन जीरो टू टू, एंड y इक्वल टू माइनस टू फॉर ऑल x लेस देन जीरो, ये आ जाएगा हमारे पास। सर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें कौन से मिलने वाले हैं, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे माइनस वन, जीरो एंड टू। सो यहाँ पे हमारे पास कितने केसेस बनने वाले हैं, ये रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर थ्री, रीजन नंबर फोर, सो वी हैव टू मेक फोर केसेस। सो केस वन, When x is greater than equal to 2, अगर x यहाँ पे लाई कर रहा है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट साइड में है, तो जितने भी मॉड्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, सो इट इज x माइनस टू प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, सो वी आर गेटिंग y इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर केस नंबर टू, सो केस नंबर टू इज दिस रीजन, दैट मीन्स वेन x is greater than equal to 0 but less than 2. So in that case, सिर्फ x minus 2 वाला mod negative होगा, यानी minus x plus 2 हो जाएगा, remaining दोनों mod positive open होंगे, तो जब हम इसको simplify करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक x cancel हो जाएगा और हमें मिल रहा होगा x plus 3. Now we are going for case 3. In this case, we are saying when x is lesser than 0 and greater than equal to minus 1, because we are talking about this interval,
इन दैट केस जीरो और टू वाले मॉड नेगेटिव ओपन होंगे और वो माइनस वन वाला मॉड पॉजिटिव, तो ये माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स और ये प्लस एक्स प्लस वन ओपन हो जाएगा. तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज माइनस एक्स प्लस थ्री ऐसा आ रहा होगा. एंड देन वी आर गोइंग फॉर केस फोर. सो वॉट इज केस फोर? When x is less than equal to minus one, sorry less than minus one, in that case x is interval में lie कर रहा होगा और सारे के सारे mod negative open होंगे, that is minus x plus two, minus x, minus x minus one, so we are getting minus three x plus one. ये आ जाएगा हमारे पास case four. So in this way अगर हम देखेंगे कि पूरा modulus function कैसा open हुआ है तो ये कुछ ऐसा open हुआ होगा कि 3x minus 1 का definition ही कब ले रहा है, for all x greater than equal to 2 के लिए 3x minus 1 है. फिर दूसरी definition है that is x plus 3 और वो ये कब ले रहा है, when it is lying between 0 to 2. And then third definition है minus x plus 3 and ये कहाँ पे ले रहा होगा, ये ले रहा होगा minus 1 to 0. And then next definition है minus 3x plus 1. So minus 3x plus 1 ये कहाँ पे ले रहा है, when x is less than minus one. Okay, so कुछ इस तरीके का बन रहा है हमारे पास. अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है. मैं डेफिनेशन यहाँ पे ही रख रहा हूँ और इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ. थोड़ा ध्यान से देखना. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स सबको पता है क्या क्या है. क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स है माइनस वन, जीरो एंड टू. सो जीरो यहां पे आ गया, माइनस वन में कहीं यहां पे बना लेता हूं. और कौन सा है, माइनस वन जीरो एंड टू. हाँ, वन एंड टू. सो टू के आगे वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है. टू भी अगर तुम रखोगे, x इक्वल टू टू रखते हो तो कितना आएगा, थ्री टू जा सिक्स माइनस वन यानी फाइव आ रहा है. सो इट इज वन टू थ्री फोर फाइव. सो एट x इक्वल टू टू अगर मैं देखूंगा तो मुझे वैल्यू मिल रही है यहां पे फाइव. और अगर मैं x इक्वल टू थ्री पे देखूंगा तो थ्री पे वैल्यू मुझे मिलेगी एट, सिक्स सेवन एट यहाँ पे मिल रही होगी. तो x इक्वल टू थ्री पे अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो मुझे वैल्यू मिल रही है एट. तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के थ्रू मिल जाएगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है उसमें. तो ये कुछ हमें ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, इस लाइन के अलॉन्ग हमें ग्राफ मिलेगा, ये बन गया लाइन वाला, ठीक है. ओके, देन हम क्या बोल रहे हैं कि जीरो से टू के बीच में वो इसको फॉलो कर रहा है. तो अगर मैं x इक्वल टू जीरो रखूंगा तो वैल्यू क्या आना चाहिए, थ्री आना चाहिए. x इक्वल टू जीरो पे थ्री आना चाहिए. अगर यहाँ पे x इक्वल टू टू रखता तो वैल्यू फाइव आता. तो मतलब अभी एक लाइन बनेगी जो इस पॉइंट को ज्वाइन करने की वजह से मिलेगी. अगेन लीनियर ग्राफ है इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है. देन माइनस वन टू जीरो अगर हम चलेंगे तो ये वाला ग्राफ बन रहा है. अगर मैं यहाँ पे माइनस वन रख देता हूँ तो थ्री माइनस माइनस वन इज फोर. तो हमें माइनस वन पे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है फोर. माइनस वन पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है फोर. तो ये वैल्यू मिल गई. अगर मैं जीरो और माइनस वन के बीच का ग्राफ देखूंगा तो मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा. एंड देन लेस देन माइनस वन यानी मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया माइनस टू, तो मैं देखता हूँ माइनस टू पे वैल्यू कितना मिलेगा. तो माइनस टू पे कितना मिलेगा, माइनस थ्री इंटू माइनस टू इज सिक्स, सिक्स प्लस वन इज सेवन. तो मुझे माइनस टू पे जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज अराउंड सेवन, नॉट अराउंड, दैट इज एग्जैक्टली सेवन. सो ये मिल गया हमें सेवन. अब हम यहां से अपना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. सो दिस इज अवर फाइनल ग्राफ. ओके, और चाहो तो रिप्रेजेंट भी कर लो. ये वाला जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन, और ये वाला जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल टू x प्लस थ्री, एंड देन ये जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, एंड दिस ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस वन.
किसी को कोई डाउट हो तो मुझे भी पूछो यार। ओके यार जरा अपना अपना ग्राफ मुझे दिखाओ, कैमरे में कैसा दिखाई पड़ रहा है, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे? -3, -2 and 1 रीजन्स बना लो। सो इट इज 1, 2, 3, 4 फोर रीजन्स आर देयर। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केस 1 when we are saying when x is greater than equal to 1, so all of them are going to be positive. As it is open हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -x + 1 + x + 3, so it will be y = x + 6. Case 2, ये वाला region when x is greater than equal to -2 and less than 1, in that case क्या होगा कि ये दोनों 3 और 2 वाले तो पॉजिटिव एज इट इज ओपन हो जाएंगे, यानी x + 2 और x + 3 ओपन हो जाएगा, और दूसरा वाला माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो ये आ जाएगा +x - 1, सो इट इज y = 3x + 4। ठीक है, एंड देन केस 3 पे जाएंगे हम लोग। केस 3 में मैं बोलूंगा, यहां पे आ जाता हूं, सो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन -2, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, सिर्फ 3 वाला ही पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, बाकी दोनों तो नेगेटिव हो जाएंगे, ये +x - 1 आ जाएगा। सो हमें क्या मिल रहा होगा, y = 1x कैंसिल हो जाएगा, y = x ओनली। एंड देन वी आर गोइंग फॉर केस 4, सो केस 4 में क्या होगा, व्हेन एक्स इज लेसर देन -3, सब नेगेटिव ओपन होंगे, यानी -x + 2 + x - 1 - x - 3, सो इट विल बी y = -x - 2। सो ऐसा कुछ ओपन हो रहा होगा ये, ठीक है। तो जब ऐसा ओपन हो रहा होगा तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, पूरा फुल डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो हम बोलेंगे इट इज x + 6 फॉर ऑल x > 1, देन 3x + 4 फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन -2 to 1, एंड देन y = x फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन -3 to -2, and then -x - 2 for all x length less than -3। तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हमें दिख रहा है -3, -2 and 1। सो हम जरा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए हमारे पास। पहले मैं जरा इसको ठीक जगह पे लगा देता हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन है x + 6, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स लोकेट कर रहा हूं यार मैं यहां पे, क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है -1 और तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है -3, तो -2 एंड -3, ये तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। 1 और 1 के आगे वो डेफिनेशन किससे लेने वाला है, x + 6 से। तो जब x = 1 डालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये उसका वैल्यू आ रहा है at x = 1 पे। सो at x = 1 उसका वैल्यू हमें मिल गया 7, फिर x = 2 पे उसका वैल्यू हमें मिल रहा होगा 8। तो at x = 2 मैं कोई दो पॉइंट ही बना लेता हूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए तो हमें कोई भी दो पॉइंट मिल जाए उससे काम चल जाता है। तो मैंने x = 2 पे दूसरा बना लिया, दैट इज 8, और फिर ये दोनों पॉइंट के हेल्प से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ऐसा लाइन। तो ये लाइन हमें बता रहा है कि
ग्रेटर देन वन के लिए वो कौन से लाइन को फॉलो करना होगा। ठीक है यार, ये कुछ चैट्स आ रहे हैं मेरे पास, क्या चैट है ये? ठीक है बाद में देखेंगे क्या आ रहा है। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिख रहा होगा हमें, क्या है यार ये चैट्स में? केस फोर में माइनस एक्स माइनस टू नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? केस फोर यार सबको क्लियरली दिख रहा है, माइनस एक्स माइनस टू होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि यहां से अगर हम देखेंगे तो ये एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो रहा होगा, ये वाला माइनस एक्स आएगा, टू माइनस वन माइनस थ्री करोगे तो माइनस टू आएगा, केस फोर में करेक्ट है। ओके सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, माइनस टू टू माइनस वन वो इसको फॉलो कर रहा है, माइनस टू टू वन, तो अगर यहाँ पे मैं वन डालता, यहाँ पे भी वन डालता हूँ तो सेवन आ रहा है, ठीक है, और माइनस टू डालूंगा तो देखो कितना आएगा, अगर यहाँ पे माइनस टू डालोगे तो थ्री इंटू माइनस टू इज वॉट माइनस सिक्स प्लस फोर, यानी कि माइनस टू आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस टू डालता हूं, क्रिटिकल पॉइंट अपने पास क्या था, माइनस टू था या माइनस वन था, माइनस टू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है माइनस टू था, तो अगर हम माइनस टू डाल रहे हैं तो हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, माइनस टू पे इसका वैल्यू आ रहा है माइनस टू, अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस टू डालूंगा तो वैल्यू मुझे मिल रहा है माइनस टू। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अब यहां से मुझे क्या करना है, यहां से मुझे लाइन को यहां पे ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मैं सेकेंड लाइन दूसरा कलर मैं दूसरा यूज कर लेता हूँ, ये वाला कलर दिखा देता हूँ, सेकेंड केस में ये वाला ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये वाली लाइन दिखा रहा हूँ, ये लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी और ऐसा, मैंने रफ डायग्राम बना दिया है, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, यार एक बार और चेक कर लेता हूँ क्या गड़बड़ हो रही है, कहीं ये बोल रही है कि सर एक्चुअली केस फोर में आपने ठीक है माइनस एक्स ये ले लिया ना, माइनस एक्स माइनस टू लेना चाहिए था, सो इट इज माइनस एक्स माइनस सिक्स, इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है ओके, सो इट इज माइनस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, देन थर्ड केस में हम क्या बोल रहे हैं, इट इज लाइक एक्स, तो अगर मैं यहां पे माइनस टू डालता हूं तो वैल्यू माइनस टू आने वाला है, और अगर यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा माइनस थ्री तो वैल्यू माइनस थ्री ही आने वाला है, तो अगर ये वाला वैल्यू मैं बनाऊंगा थर्ड केस में किसी और कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, डार्क वाले कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये माइनस थ्री आने वाला है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, माइनस थ्री पे वैल्यू माइनस थ्री मिल रहा है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, और फोर्थ केस मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, तो फोर्थ केस में मुझे क्या दिखने वाला है, माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो अगर माइनस थ्री के हम नीचे जाते हैं, अगर हम माइनस थ्री के नीचे जाते हैं, सपोज मैं यहां पे रख रहा हूं माइनस फोर, तो माइनस फोर पे वैल्यू कितना आना चाहिए, यहां पे माइनस फोर रखोगे तो माइनस फोर माइनस सिक्स, तो इट इज प्लस टू, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, प्लस टू और सॉरी प्लस टू नहीं माइनस टू, तो अब जो ये ग्राफ बनेगा वो कुछ यहां से ऐसा जा रहा होगा, और अगर मैं माइनस थ्री रखता हूं तो ठीक है ठीक है ठीक है करेक्ट है, ये आ रहा है। अब तुम लोग सब लोग एक बार देख लो आराम से कि इसका ग्राफ हमने कैसे प्लॉट किया है और ये केसेस कैसे ओपन हुए हैं, ये एक बार क्रॉस चेक कर लो, केस फोर में मैंने एक गलती करी थी वो भी देख लो, सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है स्टैंडर्ड ऊपर वाला तो तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व,
तुम लोगों ने ग्राफ बनाया, मुझे इतना बताओ बस। सर सिर्फ ग्राफ ही बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये ओपन हो तो क्या होगा पहले? मैं देख लेता हूँ इंटरवल वाइज कैसा ओपन हुआ होगा ये। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तुम लोग बताना कि मैंने सही लिखा है या नहीं। फर्स्ट केस में ये हुआ होगा x, x माइनस x, x माइनस वन फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। सेकेंड केस में व्हेन x इज लाइंग बिटवीन टू एंड जीरो, तो माइनस x माइनस टू माइनस x, x x कैंसिल, माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस थ्री आ रहा होगा। सेकेंड केस है माइनस एक्स प्लस थ्री आ रहा है। थर्ड केस में माइनस एक्स प्लस टू प्लस एक्स कैंसिल एक्स, थर्ड केस में एक्स प्लस थ्री आ रहा है। फोर्थ केस में माइनस एक्स प्लस वन आ रहा है। ये जो मैंने लिखा है मुझे बस इतना बताओ ये सही लिखा है या नहीं। तुम लोगों ने जब ओपन किया होगा मॉड्यूलस को तो ये ऐसे ही ओपन हुआ है या कोई और डेफिनेशन भी आ रही है तुम्हारी? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जरा ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पे इसका। ठीक है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास टू जीरो एंड माइनस वन। तो मैंने यहां पे दिखाया ये है वन, ये है टू, इधर पे मैं दिखा देता हूं जीरो और यहां पे है माइनस वन। टू के आगे वो ग्राफ कैसा बना रहा है? टू के आगे जो ग्राफ बन रहा है टू या टू के आगे टू, ये एक्स माइनस वन का ग्राफ बन रहा है। तो अगर एक्स इक्वल टू टू डालोगे तो तुम्हें मिलेगा वाई इक्वल टू वन, वन में यहां बना रहा हूं। तो एक्स इक्वल टू टू पे तुम्हें वैल्यू मिल रहा है वन, और अगर एक्स इक्वल टू थ्री डालोगे तो वैल्यू मिलेगा तुम्हें टू। तो एक्स इक्वल टू थ्री पे तुम्हें जो वैल्यू मिलने वाला है वो, यहाँ पे मैं थ्री दिखाता हूँ, तो थ्री पे तुम्हें जो वैल्यू मिलने वाला है वो वैल्यू मिलेगा टू। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल रही होगी, यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही है लाइन। ठीक है, फिर वन से जीरो से टू के बीच में, जीरो से टू के बीच में इसको फॉलो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू डालता तो एक्चुअल में वैल्यू वन ही आने वाला था, और जब मैं वैल्यू जीरो डालूंगा तो जीरो पे वैल्यू थ्री आ रहा होगा। तो जीरो पे वैल्यू आ रहा होगा यहाँ पे थ्री। तो थ्री और टू वाली लाइन को इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, तो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। जीरो से लेकर के टू के बीच में ये ग्राफ बन रहा होगा। देन माइनस वन से जीरो के बीच में ये ग्राफ है। अगर मैं यहाँ पे जीरो डालता हूं तो थ्री आएगा, और माइनस वन डालूंगा तो इट विल बी टू। सो माइनस वन पे इसका वैल्यू आ रहा होगा टू, माइनस वन पे इसका वैल्यू आ रहा है टू। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और फिर इसके आगे हम फर्दर ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे माइनस टू रख देते हैं हम। तो जब माइनस टू डालेंगे तो वैल्यू आ रहा है माइनस टू पे आ रहा है थ्री। तो माइनस टू पे वैल्यू अगर थ्री आ रहा है तो हमें ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये ग्राफ यहां से कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, एंड आई होप सबका ग्राफ ऐसा ही प्लॉट हुआ होगा। किसी का कुछ डिफरेंट हो तो मुझे भी पूछ लो, नहीं है ना? अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू k का। तो मैंने बताया कि y इक्वल टू k मतलब y इक्वल टू सम कांस्टेंट, और y इक्वल टू सम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल तुम लोगों को बताया था शुरू शुरू में। तो y इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि y इक्वल टू वन वाली लाइन बनानी है तो हम क्या बोलेंगे कि x का कोई भी वैल्यू लो, y का वैल्यू हमेशा वन आना चाहिए। तो y इक्वल टू वन की लाइन कुछ ऐसे बन रही होगी। ठीक है, ये y इक्वल टू वन की लाइन बन गई। y इक्वल टू टू की लाइन बनानी होगी तो y इक्वल टू टू की लाइन ये बन गई। इस तरीके से हम कई सारी लाइन बना सकते हैं।
तो y इक्वल टू k का मतलब है कि अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब बात यह है कि हमें चाहिए वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। तो देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये मैंने जो बनाई थी अभी, ये वाली लाइन सिर्फ यही एक ऐसी लाइन है, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे, सिर्फ यहां पे इसको कट कर रही होगी और ऐसी कोई दूसरी लाइन नहीं है ऊपर। देखो कोई भी ऊपर, अगर तुमने इसके ऊपर कोई भी दूसरी लाइन बनाई तो वो मोर देन वन पॉइंट कट करेगी। सिर्फ यही एक लाइन है जो एक पॉइंट पे कट कर रही होगी। मतलब कि अगर हम k इक्वल टू वन लेंगे, जब हम k इक्वल टू वन डाल देंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, वन सोल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर वन सोल्यूशन के शुड बी वन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? फॉर टू सोल्यूशन, अब हमें ये देखना है कि टू सोल्यूशन के लिए क्या होगा। फॉर टू सोल्यूशन ऑब्वियसली उसको दो पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो तुम ऐसे सोच के देखो कि वन से ऊपर और टू से नीचे अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, वन से ऊपर और टू से नीचे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, वो देखना इस ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी। ये मैंने टू से नीचे क्यों बोला, क्योंकि अगर तुम x इक्वल टू टू की लाइन देखोगे तो वो तीन पॉइंट पे कट करेगी, यहां पे और यहां पे। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर फॉर टू सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हमें दो सॉल्यूशन चाहिए, इन दैट केस हम बोलेंगे कि k शुड लाई बिटवीन वन एंड टू। वन एंड टू के बीच में अगर k का कोई भी वैल्यू लोगे और लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा टू पॉइंट पे कट कर रहा है इसको। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर थ्री सॉल्यूशन। सो फॉर थ्री सॉल्यूशन तो तुम्हें क्लियरली दिख ही रहा है, ये येलो कलर का लाइन बना देता हूं मैं यहाँ पे, मस्टर्ड कलर का ये लाइन बनाऊंगा तो तुम्हें दिख रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और आगे इस लाइन को लेकर के जाओगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। सो फॉर थ्री सॉल्यूशन ये हो गया। अच्छा, थ्री सॉल्यूशन के लिए एक चीज और हो सकती है, अगर मैं ये वाली लाइन बना दूं, ये थ्री वाली जो लाइन है, अगर ये थ्री वाली लाइन मैं बना दूं यहाँ पे, तो ये वाली लाइन भी तो वही दे रही होगी, एक पॉइंट यहां पे कट करेगा, एक पॉइंट यहां पे आएगा और एक पॉइंट यहां पे आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। फॉर टू सॉल्यूशन हमने क्या बोला, या तो हम वन से टू के बीच में रहे या फिर हम थ्री के ऊपर निकल जाए। थ्री के ऊपर निकलोगे तब भी देखो क्या होगा, कोई भी लाइन जो थ्री के ऊपर होगी वो हमेशा कैसे कट कर रही होगी, सिर्फ दो ही पॉइंट पे कट कर रही होगी। तो फॉर टू सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे के इधर लाइंग बिटवीन वन एंड टू, और क्या हो सकता है के ग्रेटर देन थ्री। अगर ऐसा हो जाता है तो भी हमें टू सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। तो ये टू सॉल्यूशन के लिए मैंने ग्रीन कलर का लिख दिया है और थ्री सॉल्यूशन के लिए मैं मस्टर्ड कलर में लिख दूंगा। फॉर थ्री सॉल्यूशन के मस्ट बी टू, या तो लाइन यहां पर होनी चाहिए या फिर लाइन यहां पे होनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, के कैन बी टू और थ्री। कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, और अगर उसके बाद मुझे चाहिए फोर सॉल्यूशन, तो ध्यान से देखो टू और थ्री के बीच में अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो वो फोर पॉइंट्स पे कट कर रही है, वन टू थ्री फोर। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर फोर सॉल्यूशंस K lies between 2 to 3. K का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। एंड फॉर नो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, अगर 1 के नीचे कोई लाइन बनाओगे, ये 1 था ना, अगर मैं 1 के नीचे कोई भी लाइन ड्रॉ करूं तो क्या वो ग्राफ को कहीं पे कट कर रही होगी, कहीं भी कट नहीं कर रही है। तो फॉर नो सॉल्यूशन हम क्या बोलेंगे, के शुड बी लेसर देन वन। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक अच्छा ग्राफिकल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया पूरा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं मैं और उसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन, अगर लिखा हुआ मॉड ऑफ a इनटू b,
वी कैन राइट इट एज मॉड ए इनटू मॉड बी. एक्चुअली क्या है कि अंदर जो भी मल्टीप्लाई होगा, मॉड लेने का मतलब क्या है कि हमें उसको फाइनली पॉजिटिव बना देना है. तो तुम मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव बनाओ या पहले पॉजिटिव बना लो और बाद में मल्टीप्लाई करो, दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. फाइनल वैल्यू में पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए, इसलिए ये एक पॉइंट बहुत क्लियर समझ में आता है. दूसरा पॉइंट ये होता है कि मॉड ऑफ ए अपॉन बी अगर होगा, सो वी कैन राइट इट एज मॉड ए अपॉन मॉड बी. ये दूसरा पॉइंट है. ऑब्वियसली बात है कि दो नंबर्स को डिवाइड करो और फिर उसके बाद पॉजिटिव बनाओ या पहले पॉजिटिव बनाओ और फिर डिवाइड कर दो, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस है ही नहीं एक्चुअल में. लेकिन अब डिफरेंस कहां आता है वो देखते हैं. ठीक है, मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, मॉड ऑफ ए प्लस बी. तो ये जो मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये मॉड ए प्लस मॉड बी इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हो सकता है अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हो. सोच के देखो, 2+3 लिखा हो तो यहां पे भी 2+3 5 आने वाला है और यहां पे भी करोगे तो 2+3 5 आने वाला है. अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तब भी, अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाए, सपोज -2 -3 लिखा हो तो मॉड के अंदर -5 आएगा, दैट इज +5. यहां पे मॉड ऑफ -2 इज +2, मॉड ऑफ -3 इज +3, तो 2+3 इज 5, मतलब इक्वल हो सकता है. ये एक्चुअली क्या होता है, ये इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है, ये इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है. यहां पे हम क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन. सेम साइन का मतलब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए. ठीक है, एंड इनइक्वालिटी कब होल्ड करती है? इनइक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब कि ए एंड बी लेस देन 0 होना चाहिए. मतलब कि जैसे यहां पे तुम सोच के देखो, एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, ए का वैल्यू ले रहा हूं 3 और बी का वैल्यू ले रहा हूं मैं -2. तो जब तुम लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, 3 -2, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, मॉड ऑफ 3+ मॉड ऑफ -2. तो 3 -2 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे आ रहा होगा 5. तो ये क्या है, ये इनइक्वालिटी होल्ड करवा रहा है. तो जब ए और बी अपोजिट साइड के होंगे तो इनइक्वालिटी आ जाएगी, ए और बी सेम साइन के होंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी. ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में भी मैं इसको यूज करूंगा कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, मैं बोलूंगा कि दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. लेकिन यहां पे इक्वेलिटी कब होल्ड करेगी और इनइक्वेलिटी कब होल्ड करेगी ये बताओ. इक्वेलिटी होल्ड्स व्हेन ए इनटू बी नेगेटिव, मतलब ए और बी जब ऑपोजिट साइन के होंगे तब इक्वेलिटी होल्ड करेगी, एंड इनइक्वेलिटी होल्ड्स when a and b are of same sign. Example लेकर के यहीं भी देख लेते हैं. जैसे मैंने a का वैल्यू लिया यहाँ पे 3 और b का वैल्यू लिया -2 तो जब मैं वहां सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे मिल रहा होगा 3 -2, और इधर देखो इधर क्या दिख रहा होगा, मॉड ऑफ 3+ मॉड ऑफ -2. तो देखो ये दोनों इक्वल आने वाले हैं. तो जब अपोजिट साइन के होंगे तो डेफिनेटली इक्वल आएंगे. लेकिन अगर ये सेम साइन के हो गए, लाइक ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2 हो गया, तो इन दैट केस हमें क्या दिख रहा होगा, 3 -2, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, mod 3+ mod of -2. तो ये तो 5 ही दिख रहा होगा, ये 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आने वाली है. ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा सबको. लेकिन ये जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ ये याद रखना, एक्चुअली क्वेश्चन इस पे आते हैं जो कंडीशंस मैं लिख रहा हूँ. नेक्स्ट है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी होल मॉड. अब मुझे जरा बताओ इक्वेलिटी कब आती है और इनइक्वेलिटी कब आएगी. काव्या बताएगी इक्वेलिटी कब आएगी.
कभी तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं मैं सोच रही हूँ। अच्छा इक्वेलिटी आएगी व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, इनइक्वेलिटी आएगी व्हेन ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। और तुम ऐसे चेक करके वैल्यूज लेकर के देख लिया करो ना, जैसे तुमने लिया ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 2, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, मॉड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा होगा 3 माइनस 2, और राइट हैंड साइड पे देखो क्या आ रहा होगा, मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ 2 होल मॉड, ये भी आएगा 1 और ये भी आएगा 1, तो इस केस में आ गई हमारे पास इक्वेलिटी। और इनइक्वेलिटी कब आएगी, जैसे मैंने ए को ले लिया 3 और बी को ले लिया माइनस 2, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 3 माइनस माइनस 2, तो इट विल बी 3 प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ 2 होल मॉड, तो यहाँ पे देखो 5 बन रहा है और यहाँ पे 1 बन रहा है, तो ये इनइक्वेलिटी आ गई। क्लियर है ना? ऐसे ही एक कंडीशन और बनती है, वो कंडीशन क्या होती है, मॉड ऑफ ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। अब मुझे बताओ जरा यहाँ पे इक्वेलिटी और इनइक्वेलिटी कब आएगी, प्रथमेश बताएगा, इक्वेलिटी होल्ड्स व्हेन साइंस आर अपोजिट, व्हेन साइंस आर अपोजिट, एग्जैक्टली, ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, एंड इनइक्वेलिटी होल्ड्स व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, एग्जैक्टली, व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन। अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं तुम लोगों को, बट पहले नहीं कराऊंगा, तब कराऊंगा जब तुम भूल चुके होगे, जैसे तुम ये भूल जाओगे वैसे ही क्वेश्चन डालूंगा मैं। यार आई थिंक नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने ये, इसके बाद मैं चल रहा हूं अब इक्वेशंस पे, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। सो नेक्स्ट इज मॉड्यूलस इक्वेशन, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन। इसमें देखो क्या होगा यार, मॉड्यूलस इक्वेशन में कुछ बहुत ज्यादा हम नहीं करते हैं, वैसे ही होता है जैसा हम लोगों ने मॉड्यूलस में भी किया। हमारे जो स्टेप 1, 2 एंड 3 थे, तुम लोगों को याद होगा मॉड फंक्शन ओपन करने के लिए मैंने 2-3 स्टेप यूज किए थे, स्टेप 1, 2 एंड 3, वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे टू ओपन द मॉड फंक्शन। जैसा हम लोगों ने किया था ना कि वो नंबर लाइन पे लोकेट किया था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया, नंबर लाइन पे लोकेट किया, फिर केसेस बना लिए, तो वो सब कुछ वैसे ही रहेगा टू ओपन द मॉड फंक्शन। ठीक है, अब क्या होगा कि केस बनेगा तो हर एक केस में अब एक्सप्रेशन आने की बजाय क्या आ रहा होगा, इक्वेशन आ रही होगी। तो स्टेप 4 में तुम क्या करोगे, इन स्टेप 4 सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन इन ईच केस, हर एक केस में तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी है, एंड फाइंड द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो भी फाइंड कर लो। बट सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, अब उसको स्टेप 4 में भी लिख सकते हो, मैं स्टेप 5 में कर देता हूं, चेक वेदर द सॉल्यूशन, चेक वेदर द सॉल्यूशन lies in considered interval, जो भी वो केस वाला इंटरवल होता था ना, अगर वो उसमें लाई कर रहा है तो तुम उसको सिलेक्ट कर लोगे, और अगर वो उसमें लाई नहीं कर रहा है तो तुम उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, इफ इट लाइज इन द इंटरवल, सिलेक्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा करके बताऊंगा और उससे ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, सपोज हमें वो बोलता है कि सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3, ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जब हम जाएंगे तो हम वही जो हमारे केसेस थे वो तो वैसे ही बनेंगे, हम बोलेंगे माइनस 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, 0 इसका दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, सो वी आर गोइंग टू फॉर्म दीज 3 रीजन्स 1, 2 एंड 3। अब हम बोलेंगे कि केस 1, केस 1 में हम क्या बोलेंगे, व्हेन एक्स इज
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाला रीजन लिया है, ये वाला रीजन लिया तो सारे के सारे मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट साइड पे ही आ रहा है वो। यहाँ पे अगर एक्स आ रहा होगा तो दोनों के राइट साइड पे, तो यू आर गेटिंग 2x इक्वल टू 3 माइनस 2 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ रहा है हाफ। नाउ ये देखो कि हाफ जो है वो कंसिडर्ड रीजन में लाई कर रहा है, सो कंसिडर्ड रीजन क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये उसमें लाई कर रहा है बिकॉज हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हम बोलेंगे कि हाँ इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे बिकॉज ये वहां पे लाई कर रहा है। नाउ केस टू, केस टू में हम क्या बोलेंगे, व्हेन x is lesser than 0 but greater than equal to minus 2. In this case, क्या होगा कि 0 वाला mod तो negative open होगा और x plus 2 वाला mod positive open हो जाएगा, तो यहां से x cancel होगा और 2 equal to 3 आ जाएगा, which is not possible. So there is no solution in this interval. यहां पे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला हमें। फिर हम जाएंगे केस 3 पे, तो केस 3 में हम क्या बोलेंगे, केस थ्री में यहां पे कर देता हूं, सपोज एक्स इज लेस देन माइनस टू, उस केस में दोनों ही मॉड नेगेटिव होंगे, इक्वल टू थ्री आ रहा होगा तो माइनस टू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा फाइव, सो एक्स का वैल्यू आएगा माइनस फाइव बाई टू, और ध्यान से देखो माइनस फाइव बाई टू जो है वो माइनस टू से लेसर होता है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। सो फाइनली वी आर गेटिंग फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, x इक्वल टू हाफ एंड माइनस फाइव बाई टू, दीज टू आर द सॉल्यूशंस। मैं टाइम दे रहा हूं फॉर फर्स्ट फाइव क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम सिक्स सेवेंथ एट्थ पे जाएंगे, ठीक है। सो अपना टाइम देख लो एक बार, मैं एक्चुअली 4:20 पे ऐसा बोल रहा था, तो आई थिंक इट इज टिल 4:40 तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना है, फिर 6, 7, 8 उसके बाद हम करेंगे। यार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो बताओ, काव्या तू बता जल्दी से। सो माइनस 1 एंड दैट्स इट, दैट्स इट, 7 एंड माइनस 1, 7 एंड माइनस 1, यस, बट 7 डज नॉट फॉल इन दिस रेंज, राइट? I don't think so. Question क्या है? चलो question start करते हैं। Wait यार। It is mod of x minus 3 equal to 4. ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। So एक ही critical point है अपने पास, that is 3. So we are making two regions. This is region 1, this is region 2. And then we can say case 1 is what? Case 1 is when x is greater than equal to 3, so we can say it is x minus 3 equal to 4, so x equal to 7, and 7 is in the range because 7 is greater than equal to 3, so 7 is acceptable. Then we are coming to case 2, when x is less than 3, in that case ye minus sign ke saath mein open hoga, so what we are going to get is x equal to minus x equal to 1, that means x equal to minus 1, so ye bhi usme lie kar raha hai, so this is also acceptable, theek hai। So ek trick batane wala hu main tumhe yahan pe, kya hai trick, aise ye bahut easy sa question tha, lekin aise question aage bhi hain jo complicate karenge, trick ye hai, jo trick abhi main tumhe bata raha hu usko use karna, trick ye hai ki kabhi bhi likha hua hai mod of fx equal to a, agar aisi equation hai, then what you have to solve, you have to solve fx equal to a and fx equal to minus a, in dono ko solve karo, jab bhi ye solve karna hai iska matlab kya hai ki in dono ko solve karo aur in dono equations ka union le lo, jaise hum logo ne yahan pe kya kiya, pehle fx equal to a kiya, fx equal to minus a kiya, dono ko solve kiya, dono ka answer aa jayega, jo aage kaam bhi aayega। सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था मुझे ये बताना जरा, मॉड ऑफ व्हाट, काव्या बोल, 3x माइनस 2 का मॉड प्लस x इज इक्वल टू 11, ठीक है।
सो यहाँ पे भी हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, दैट इज 2/3. सो वी कैन मेक टू केसेस. सो के इन केस वन वी कैन से व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3. सो वी कैन से इट इज 3x माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 11. सो इट इज 4x equal to 13. So x equal to 13/4. And 13/4 is a number greater than 1. So it is obviously greater than 2/3. So ye to acceptable hai. And in case 2, we can say when x is less than 2/3. So we can say that the mod will open with a minus sign. Plus x equal to 11. So here we get minus 2x and equal to 9, so x equal to minus 9/2, and it is also acceptable because minus 9/2 is less than 2/3. So we have got two solutions. Okay. Sir. हाँ. Second वाले जो भी तो आएगा ना, the critical point. क्यों? बेटा इस x पे mod थोड़ी ना लगा है. जहां पे मॉड होता है वहां पे हम करते हैं, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? सर x का मॉड माइनस x माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 2. काव्या इसका आंसर बता क्या आया तेरा? सर नो सॉल्यूशन आया बिकॉज़ तीनों वेज में वो इट डिडंट लाई इन द इंटरवल. ओके, और किसी का कुछ आया? मानसी तेरा क्या आया इस केस केस में? सेम सेम जो काव्या ने बताया. प्रथमेश तेरा भी सेम आया क्या? नहीं, प्रथमेश का कुछ आया, बता क्या आया? प्रथमेश तेरी आवाज. सर मेरा 2 and 0 आया. 2 and 0 आया? नहीं, 0 तो नहीं आएगा यार. अभिनव तेरा क्या आया इसमें ये बता. सर मेरा भी 0 आया, तो फिर हाँ 0 नहीं होगा. 0. चलो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्या, बहुत थोड़ा सा ही अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि तुम कंफ्यूज हुए बस इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ इसको. केस नंबर 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो हम क्या बोलेंगे कि सारे मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएंगे, तो इसको पॉजिटिव ओपन करो, इसको भी एज इट इज ओपन करोगे तो इट इज लाइक दिस. सो हम क्या बोलेंगे, इट इज x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू, सॉरी x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 2. यहां से x कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 2 इक्वल टू 2. सो दिस इक्वेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड. 2 इक्वल टू 2, दैट मींस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ना. सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन, ऑल x इन दिस इंटरवल, जितने भी x आ रहे हैं उन सब के लिए ये ट्रू है, बिकॉज x तो कैंसिल होने ही वाला है. तुम x का वैल्यू 3 डालोगे वो भी कैंसिल होने वाला है, 4 डालोगे वो भी कैंसिल होने वाला है, तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है. तो x का हम इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू डाले वो सबके लिए सेटिस्फाई हो रही है. तो जो तुम लोग मिस्टेक कर रहे थे वो ये थी, तुमने यहाँ पे लिखा होगा नो सोल्यूशन बिकॉज 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, बट 2 इक्वल टू 2 तो ऑलवेज 2 है ना. सो इट इज नॉट नो सोल्यूशन, इट इज ऑल सोल्यूशन इन दैट इंटरवल. एंड नाउ केस 2 क्या होगा, व्हेन x इज लेसर देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो वो वाला मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा और x माइनस 2 वाला विद माइनस साइन ओपन होगा, तो इट इज लाइक दिस. सो वी आर गेटिंग 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 2. बट 2 यहाँ पे इंक्लूड करना नहीं है, तो मुझे ये सोल्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन x इक्वल टू 2 देखो यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है ऑलरेडी. एंड देन वी आर गोइंग फॉर केस 3. सो इन केस 3 वी आर सेइंग x इज लेस देन 0, तो सारे मॉड नेगेटिव ओपन होंगे, दैट इज माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 2, सॉरी प्लस 2 इक्वल टू माइनस, सॉरी प्लस एक्स माइनस 2 आएगा. यस प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल होगा तो इट विल बी माइनस 2 इक्वल टू 2. अब यहाँ पे माइनस 2 इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, सो वी आर सेइंग नो सॉल्यूशन. बट यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास, दैट इज व्हाट फाइनल आंसर इज all x greater than equal to 2, or we can write it as x belongs to 2 to infinity. Okay.
कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? देन वी आर गोइंग फॉर सॉल्यूशन नंबर 4. काव्य जल्दी से क्वेश्चन बोल दे, क्या था? x स्क्वायर प्लस 7x का मॉड व्हिच इज x का मॉड प्लस 10 इज इक्वल टू 0. हाँ, इसका सॉल्यूशन भी बता काव्य, क्या आया? चल, नो सॉल्यूशन, आई एम नॉट श्योर. इसका आंसर नो सॉल्यूशन एंड काव्य इज नॉट श्योर बिकॉज लास्ट टाइम उसका आंसर गलत हो गया था, दैट इज व्हाई शी इज नॉट श्योर. मानसी, तेरा क्या आंसर आया? सर पता नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा उसका, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ बार बार. अच्छा, और प्रथमेश तूने क्या किया इसमें? सर आया ही नहीं. इनफ? नहीं आया. देखो ये क्वेश्चन एक तो अच्छा, पहले काव्या से पूछना, इसने सॉल्व कैसे किया? इसका नो सॉल्यूशन आया, क्या किया काव्या तूने बता? सर मैंने दो केसेस लिए, मतलब मैंने x को दो केस लिए, एक केस में x is greater than equal to 0 and दूसरा केस में x is less than 0. ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे x पे मॉड था, तो इसने बोला कि केस वन में हम क्या बोलेंगे कि x when x is greater than equal to 0, यही किया होगा. मैं समझ गया तूने क्या किया. फिर तूने इसको ओपन किया होगा तो 7x plus 10, और फिर इसको तूने फैक्टराइज करके 0 किया होगा तो x plus 5 into x equal to 0. So हम बोलेंगे it is x equal to minus 5 and minus 2, और दोनों भी इस इंटरवल में निकल रहे हैं, तो इन दोनों को कर देंगे. एंड द सेम वे हम बनाएंगे केस टू, तो हम बोलेंगे कि when x less than 0, in that case ये mod minus करके ओपन हो जाएगा, and in that case हम इसको factorize करेंगे, तो it is x minus 5 into x minus 2 equal to 0, so we are getting x equal to 5 and 2, but again 5 and 2 are not lying in this interval, so हम क्या बोलेंगे कि ये भी acceptable नहीं है, so no solution. Correct answer था, ठीक है, ये correct answer है, but हमें ये करने की जरूरत थी नहीं, फिर भी मुझे अच्छा लगा कि तूने ये सब किया है ना. लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं थी. मैं तुझे ट्रिक बताने वाला हूँ कि हम कैसे इसको ऐसे ही देख के खत्म कर सकते हैं. ध्यान से देखो, x स्क्वायर कैसा है? x स्क्वायर इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 7 मॉड x इज अगेन अ नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज मॉड दो पॉजिटिव ही, मतलब नॉन नेगेटिव ही होता है. एंड प्लस 10, 10 is a number which is greater than 0. So we are adding 3 numbers out of which 2 of them are non-negative and 1 of them is positive. So definite सी बात है कि तीनों का addition कैसे आने वाला है? greater than 0 आने वाला है, surely. तो कोई ऐसा number जो greater than 0 है, क्या वो कभी 0 के equal हो सकता है? For any value of x. हम कुछ भी रखते रहे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, केवल x इक्वल टू 0 पे ही दोनों 0 बन सकते हैं, अदरवाइज तो ये पॉजिटिव ही आएंगे. तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन बी 0? कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. नहीं हो सकता तो नो सॉल्यूशन, ये यहां से ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन. बट फिर भी ठीक है, अगर आपको वो चीज पहले पॉइंट पहली बार में नहीं समझ में आती, तो आप दो केसेस तो बना ही सकते हो, बिकॉज x पे मॉड था. ओके, काव्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल. x plus 1 mod plus x minus 2 का mod plus x minus 5 का mod is equal to 2. ओके, ये वाला कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? काव्या ने किया है, मानसी तूने किया है? किया है. प्रथमेश? हाँ सर, किया. Yeah. क्या क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ. प्रथमेश बताएगा आपकी बार पहले. सर मुझे नो सॉल्यूशन आ रहा है. प्रथमेश को आ रहा है नो सॉल्यूशन. काव्या को क्या आ रहा है? नो सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन सबको नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है. अभिनव तेरा भी आ रहा है नो सॉल्यूशन या नहीं आ रहा है? हाँ सर, ठीक है. इसका एक्चुअली नो सॉल्यूशन ही आएगा, और वो तुम ऐसे ही करोगे जैसे तुमने किया होगा कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो सारे के सारे मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे, दैट इज 3x,
माइनस सिक्स इक्वल टू टू, तो थ्री एक्स इक्वल टू एट, एक्स का वैल्यू आ जाएगा एट बाई थ्री, एंड एट बाई थ्री इज नॉट लाइंग इन दिस इंटरवल, सो वी आर रिजेक्टिंग दिस. सिमिलरली वी आर डूइंग द अदर केसेस. सबने ऐसे ही किया होगा आई होप. अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बोल दो. नहीं है ना? ठीक है. नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एंड एट. नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एंड एट. एंड क्वेश्चंस में एक बार फिर से ओपन कर देता हूं. और जो मैंने ट्रिक बताई थी वो याद रखना, एंड आई होप तुम सबने वो ट्रिक नोट कर ली होगी, बिकॉज क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट में वो ट्रिक काम करने वाली है. हाँ यार, तुम लोगों ने सॉल्व किया ही कि नहीं किया? नहीं हुआ? कितने दुखी दिखाई पड़ रहे हैं बच्चे. चलो आगे चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे जाकर सब मिल करके सॉल्व करेंगे. बस मुझे क्वेश्चन याद दिलाते रहना, और जैसे मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊंगा तुम्हें मजा आएगा. एक्चुअली तुम कहोगे कि अरे सर ये तो हमें पता था पहले से कैसा हो सकता है. तो चलो सॉल्यूशन नंबर सिक्स पे चल रहे हैं. सॉल्यूशन नंबर सिक्स में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन क्या था मुझे बोलो जरा. इसमें क्या था? सर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मॉड माइनस वन इज इक्वल टू फोर. इज इक्वल टू फोर. तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम लोग इसको एक्चुअली अंदर से ओपन कर रहे होगे, फिर दो और मॉड बना रहे होगे, ये सब काम कर रहे होगे, ठीक है. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये क्या था जो मैंने तुम्हें ऊपर ट्रिक बताई थी ना, कि अगर कभी भी मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए लिखा हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू ए को सॉल्व, एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस ए को सॉल्व, और इन दोनों का यूनियन ले लेना चाहिए. तो अब ये देखो मॉड के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एफ एक्स है. जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्चुअली क्या सॉल्व करना है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन. ये यहाँ प्लस वन लिखा है या माइनस वन लिखा है? प्लस वन है. तब तो और ही आसान हो गया ना यार ये. मैं तो सेवेंथ का सॉल्यूशन बताने लगा था तुम्हें एक्चुअली. अगर यहाँ पे प्लस वन लिखा है तो तुम सोच करके देखो ये कितना आसान है. देखो बाहर वाले मॉड का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो तो फालतू में लगा रखा है मैंने. क्योंकि बाहर वाले मॉड के अंदर जो भी कुछ लिखा है ये एक मॉड है जो कि पॉजिटिव होगा, प्लस वन है वो भी पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव नंबर ऐड हो गए तो पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है. तो अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा हो तो वो एज इट इज ओपन हो जाता है, उसके लिए तो मॉड की जरूरत ही नहीं है. तो ये वाला मॉड तो मैंने तुम्हें वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए लगाया था, तुम हो गए कंफ्यूज इसी में. अब इसके बाद क्या होगा कि तुम मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर माइनस वन करोगे तो ये आ जाएगा थ्री. अब यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू थ्री लिखा है तो तुम क्या बोलोगे कि हम एक बार एक्स माइनस वन इक्वल टू थ्री को सॉल्व करेंगे, या फिर एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू फोर, और यहां से क्या मिलेगा? माइनस टू. सो दीज आर द आंसर्स. और सेवेंथ में सेवेंथ क्वेश्चन यही था कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन होल मॉड इक्वल टू फोर, ठीक है. तो अभी भी क्या है कि मॉड के अंदर पूरा का पूरा एक फंक्शन दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एक बार हम बोलेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस फोर, और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर, ये आएगा. यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो इट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने में क्या हो जाएगा कि फिर से जब मॉड हटाओगे तो एक बार एक्स माइनस वन इक्वल टू फाइव आएगा, और दूसरी बार एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस फाइव आएगा. दोनों का यूनियन लेना है. अच्छा, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो मुझे क्या दिख रहा होगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर प्लस वन, दैट इज माइनस थ्री. सो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. तो इस पार्ट से तो हमें वैसे भी कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है, यहां से ही मिलेंगे वैल्यू. यहां से क्या मिलेगा? x इक्वल टू सिक्स, और यहां से क्या मिलेगा? x इक्वल टू माइनस फाइव प्लस वन, दैट इज माइनस फोर. सो अगेन वी हैव टू सॉल्यूशंस. तो देखो ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ट्रिक यूज करनी है, ट्रिक यूज करके सॉल्व करना है, और तुम्हें अभी फीलिंग ऐसी आ रही होगी कि हाँ यार ये तो हम कर सकते थे. और जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर एट बताऊंगा तब तो तुम बोलोगे कि अच्छा ये तो बहुत पहले कर सकते थे हम.
हाँ काव्या कुछ बोलना चाहती है, बोल। सर क्वेश्चन नंबर 8 में है, NH is equal to RHS आ गया, जब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं, या फिर मैंने क्या गलत करा करूं सही में? ठीक है क्वेश्चन बता जरा क्या था। मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x, 3x माइनस माइनस x स्क्वायर माइनस 4 होल मॉड is equal to mod of 4 minus 3x. इसको 4 प्लस 3x कर दो। चलो सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, नहीं 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 यार करेक्ट है, करेक्ट है 4 माइनस 3x करेक्ट है, सॉरी 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 क्वेश्चन सही लिखा हुआ था। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, या किसी ने किया इस क्वेश्चन को, किसी ने कर पाया तो मुझे बताओ गलत सही कैसा भी। काव्या ने तो कुछ किया है, वो कंफ्यूज भी है। काव्या तूने किया क्या पहले ये बता, नहीं बताया? सर मैंने मैंने एक सेकंड, हाँ मैंने मॉड ऑफ ए माइनस बी वाला थिंगी करके आई गॉट कि इसकी जो वैल्यू है, हाँ एक को ए लिया दूसरे को बी लिया, तो देन आई गॉट कि ए माइनस बी का मॉड विल बी इक्वल टू व्हाटएवर दैट इज। सही है, तुझे क्लिक तो कर गया, ये तो चलो अच्छी बात है कि तुझे ये बात क्लिक करी कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होल मॉड इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो 4 माइनस 3x ही आएगा। तो ये इक्वेलिटी कब होल्ड करता था, इक्वेलिटी होल्ड्स व्हेन, कब होल्ड करता था, व्हेन ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, तभी तो करता था ना। और अभी यहां पे ए क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और बी क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो हमें अब क्या सॉल्व करना है, हमें ये सॉल्व करना है एक्चुअली। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 3, यहां पे क्या मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो जब हम इसको यहाँ पे नंबर लाइन पे नोट कर देंगे तो ये आएगा माइनस 2 0 प्लस 2 एंड प्लस 3, सो इट इज पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन हमें क्या मिलने वाला है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 0 टू 2 यूनियन 3 टू। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो मुझे लग रहा है काव्या तो यहां पे आकर के बैठ गई होगी और तुझे लग रहा होगा कि क्वेश्चन हो गया, तो a इंटू b भी करना था तुझे, a इंटू b ग्रेटर देन 0 को ही सॉल्व करना था, वहां से फाइनल आंसर आता था।